हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। तो फ्रेंड्स देखंतु ओडिशा तहसील ऑफिस तरफ एक बहुत बड़ नियुक्ति आसी अछि। एथिरे ओडिशार सब जिल्लार पिला माने अप्लाई करि परिबे। फ्रेंड्स देखि परथिबे एथि पई नो एग्जाम बे रहिछि। आपनके एथिरे कोनसे प्रकार एग्जाम देबार आवश्यक नाही। नो एग्जाम रहिछि केवल आपनकर मार्क अनुसार ही एथिरे आपनको सिलेक्शन करा जइबो। सबठरो बड़ कथा या जे जदि आपन माने सिलेक्शन पाउछंती तबे निज जिल्लार ही पोस्टिंग टी पाई परिबे। एथि पई नो फी बे रहिछि। आपनके एथिरे कोनसे प्रकार आप्लिकेसन फी पे करार आवश्यक ना, मगणारे ही आप्लाय करेंगे। फ्रेंड्स एथिरे आपण माने किपरि आप्लाय करेंगे, आप्लाय करिवार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी मुझे को एबे ए भिडियो शेष में कहबी। जदि आपण माने आप्लाय करिवापई इंटरेस्ट रखुचंती तबे भिडियो टी को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु प्रथमे आलोचना करिनेबा जे कोन रहिछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन टी। फ्रेंड्स जदि आपण माने निज जिल्लार आसुथिबा एई भली नुआ नुआ सरकारी जॉब रो न्यूज पायापई चाहुचंती तेब आम चैनल टी सब्सक्राइब करनी एवं भिडियोटी को भी गोटे लाइक कर दिंतु। फ्रेंड्स देखु ए नोटिफिकेशन टी तहसिलदार ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा तरफ रु ए नोटिफिकेशन टी आसी अच्छी। एम अप्लाई करेंगे एभय पुरुष और महिला प्रार्थी मैंने अप्लाय करेंगे। जदि आम सैलरी कथा कह तेज 15,000 रु स्टार्टिंग 25,000 पर्यंत आपको ये मंथली सैलरी मिल पार जहाँकि एक बहुत भल सैलरी र। जदि आम जॉब टाइप कथा कहबा तबे एहा को गवर्नमेंट जॉब रहिबो, स्टेट गवर्नमेंट जॉब रहिबो। नेक्स्ट होचे पोस्ट नेम। तो फ्रेंड्स देखंतु एथिरे दुई प्रकार पोस्ट में वैकेंसी रहिछि। प्रथम तो एथिरे कोऑर्डिनेटर पोस्ट में वैकेंसी रहिछि एवं एमआईएस असिस्टेंट पे एथिरे वैकेंसी रहिबो। आपण माने ए दुई पोस्ट हि एथिरे अप्लाई कर परिबे। नेक्स्ट होचे एप्लीकेशन फी। तो फ्रेंड्स देखंतु जदि आपनकर कैटेगरी जनरल ओबीसी किबा एससीएसटी किबा पीडब्ल्यूडी आपण माने जे कोनसे कास्ट भी होइतिबे एथिरे फ्री रे अप्लाई कर परिबे। कारण समस्त फ्री रही मगणारे ही पोस्ट गुड़िक आप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखो एवं पोस्ट में कौन सब सैलरी बा दरमा रही आप कोऑर्डिनेटर पोस्ट अप्लाई करेंगे तेज आपने स्टार्टिंग 25,000 टाँचा दरमा पाइपर। जदि आपने एमआईएस असिस्टेंट पोस्ट अप्लाई करेंगे तेज एथ स्टार्टिंग 15,000 टाँचा दरमा रपे 15,000 टाँचा ही स्टार्टिंग दरमा पाइपर। नेक्स्ट हो सिलेक्शन प्रोसेस। तो फ्रेंड्स देखो जदि आप्लाय कर तो प्रथम ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई करने को पड़ो। अप्लाई कलापर आपर मार्क अनुसार आपको ये सब टेस्ट हो तो मार्क बेसीस रही मार्क अनुसार सिलेक्शन कर। नेक्स्ट आपंकर इंटरव्यू रोक। तो फ्रेंड्स केवल यही प्रोसेस द्वारा ही सिलेक्शन पारे। नोटिफिकेशन पीडीएफ फुल डिटेल्स मेनसन करते अप्लाई प्रोसेस कह समय आपको सिलेक्शन प्रोसेस विषय भी जनदेवि। यहाँ पर देखो एथपाई कौन सब एज लिमिट रोक। जदि आपंकर मिनिमम एज्टे 21 वर्ष हो तबे पोस्ट अप्लाई करि परिबे एवं मैक्सिमम 45 इयर्स बा 45 वर्ष वयस रहिबो। जदि आपंकर कैटेगरी ओबीसी किबा एससीएसटी किबा फिजिकल हैंडीकैप्ट जदि आपंकर सर्टिफिकेट थिबो तबे आपनके इथिरे अतिरिक्त ए सुविधा भी मिलि परिबो। यहाँ पर देखंतु एथिरे जतेबेले आपन माने अप्लाई करिबे अप्लाई कला समय किछि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट गुड कर आवश्यक पड़िबो। तो फ्रेंड्स प्रथमे आपन माने चेक करि नियंतु जे केउ केउ सब डॉक्यूमेंट गुड कर आवश्यक पड़िबो। जदि आपण पाखे यही सब डॉक्यूमेंट गुड़िक नबे आपर अप्लाई करेंगे ना। जदि भी अप्लाई करूँ तो आपंकर फॉर्म टी रिजेक्ट भी हो पाए। एथिपाय थरे चेक कर नियंतु। फर्स्ट होचे आपंकर ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और तार मार्कशीट। यहाँ पर गोटे फोटो जहाँकि आप्लिकेसन फर्म अटाच करेंगे। नेक्स्ट होचे रेसीडेंट सर्टिफिकेट पुराणा नुआ जहाँ भी थोड़ा चलो। नेक्स्ट होचे कास्ट सर्टिफिकेट। जदि आपंकर कास्ट एससी एसटी किंबा एससीबीसी किंबा पीडब्ल्यूडी जहाँ भी होती है तार प्रमाणपत्र गोटे जेरक्स कॉपी टी आप्लिकेसन फर्म सहित अटाच करेंगे। नेक्स्ट हो आपंकर आईडी प्रूफ। फ्रेंड्स देखो आईडी प्रूफ रे तीनो ऑप्शन अच्छी। आपने चाहिए आधार कार्ड भोटर कार्ड पान कार्ड ए तीनो मधुर जेकोसी भी गोटे आईडी प्रूफ टी अटाच करें आपने आईडी प्रूफ नंबर टी मेनसन करेंगे। तो फ्रेंड्स जितेबाला आप्लाय करेंगे आप्लाय कला समय यही सब डॉक्यूमेंट आवश्यक पड़ो। नेक्स्ट होची आप्लिकेसन मोड। एथिपाई तो ऑफलाइन आप्लिकेसन प्रोसेस रही आपण माने स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट जरिया वैकेंसी अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट होची अप्लाई स्टार्टिंग डेट जहाँकि स्टार्ट हो सारी। तो पिला चलते एवं आलोचना करवा जे आपने किपर ए अप्लाई करेंगे यार अप्लाई करार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी मुझे कहबी। फ्रेंड्स एथिरे आपण माने किपर अप्लाई करेंगे अप्लाई करार स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी मुझे कहबी। एथिपाई आपण माने ए वीडियो टी शेष पर्यंत देखनी। प्रथम आपण माने निज मोबाइल थिबा गूगल को ओपन करंतु। ओपन कलापर सर्च बार उपरे क्लिक करंतु। यहाँ पर सिंपली सर्च करंतु। कौन सर्च करेंगे सिंपली टाइप करेंगे ओडिशा देन स्पेस ते लिखे जिओ भिटी देन स्पेस ते लिखे जॉब देन लिखे डॉट देन लिखे इन।
देखिपे मेटर कौन टाइप कले सीम्पली आपने यही टाइप करेंगे। टाइप करापर पाखर या सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आपतल से सर्च ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक कलापर आपण सम्मुखें ओडिशा जिओ भिटी जॉब रो साइट आसुथिबो आपण माने देखि परथिबे। तो सिंपली आप माने साइट रो लिंक उपरे क्लिक करंतु। फ्रेंड्स देखंतु जते बेला आप माने क्लिक करिवे क्लिक कला परे आपण को सम्मुखें एई भली किसी आसीथिबो। आपण गेटरे भिन्न भिन्न कैटेगरी अनुसार जॉब गुड को देखिबा को मिलिबो देखि परथिबे। तो फ्रेंड्स देखंतु आपण को सिंपली 3 नंबर सोपान को बा कॉलम को विजिट करबा को पड़िबो। देखि परथिबे 1 2 3 3 नंबर आपण को तहसील ऑफिस जॉब रो नोटिस देखिबा को मिलिबो। तो सिंपली आपने ए तहसील ऑफिस जॉब रो ऑप्शन पर क्लिक करंतु बा कॉलम पर क्लिक करंतु। क्लिक करा पर देखंतु आपण केठरे भिन्न भिन्न जिला तरफ आसीथिबा ए नोटिफिकेशन गुडी को देखिबा को मिलिबो। देखंतु प्रथम एक नोटिफिकेशन अछि ओडिसा तहसील ऑफिस न्यू रिक्वायरमेंट 2023। तो फ्रेंड्स आपण माने सिंपली एही न्यू रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन पर क्लिक करंतु। फ्रेंड्स देखंतु आपने क्लिक कला पर आपण को सम्मुखरे एभली के एभली किछ आसीथिबो फलाबरे पढ़ी पारिबे जे कोन कोन लेखा जाइछे केउ केउ पोस्ट में वैकेंसी रहइबो से विषय एटा मेंशन कर जाइछे। लास्ट डेट कोन रहइबो क्वालिफिकेशन कोन रहइबो केते पोस्ट होइछे से विषय एटा लेखा जाइछे फलाबरे चेक कर पारिबे। एवं एथि पई कोन सब एज लिमिट रहइबो से विषय बे लेखा जाइछे फलाबरे चेक कर पारिबे। मो आपण को तो सैलरी विषय कहिथिले यहाँ पर देखो सिलेक्शन प्रोसेस विषय भी लिखा जाए भल भाव चेक करेंगे। मुझे डायरेक्ट अप्लाई प्रोसेस कहबी। तो पे सिंपली आपने तलाक तलाक स्क्रॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स देखो ये इंपोर्टेंट लिंक अच्छी इंपोर्टेंट लिंक पाखे आप नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक टी देखा मिले। तो सिंपली आप नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक उपर क्लिक करूँ। फ्रेंड्स देखो आपने से नोटिफिकेशन पीडीएफ टी ओपन कलापर आप सम्मुखें यही किसी आसीब भल भाव आप चेक करेंगे। आपने सिंपली तलाक तलाक स्क्रॉल करेंगे। तो फ्रेंड्स आप मैंने स्क्रॉल कलापर आपण सम्मुखें ये वैकेंसी सब इनफर्मेशन देखा मिले। जपरिक देखते इतने क्यों क्यों पोस्ट वैकेंसी रही है ए कोऑर्डिनेटर पर वैकेंसी रही है जहाँकि आपंकर ऑल तहसील एंड डीडब्ल्यू ऑफिस आप पोस्टिंग रहा आप एमआईएस असिस्टेंट जहाँकि ऑल तहसील एंड डीडब्ल्यू ऑफिस आप पोस्टिंग रखते इन सब दरमा रही विषय भी लिखा जा केते पोस्ट होई एवं कौन सब क्वालिफिकेशन रहइबो से विषय भी लिखा जाए। देखो जदि आप मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 बा मैट्रिक प्लस टू सहित जदि ग्रेजुएशन पास थी तेज एथे अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर नॉलेज भी आवश्यक पड़े एवं किसी एक्सपीरियंस भी मेनसन अच्छी। देखो जदि आप एक्सपीरियंस थी तेज आपर प्रिफरेन्स मिल जो मेरे भी एक्सपीरियंस थी एक्सपीरियंस से मेरे प्रिफरेन्स मिल एठे क्लीयरली मेनसन कर। तो देखो एथेर जो लास्ट डेट रही कौन रही ना 31/10/2023 अक्टोबर 31 पूर्व आपने अप्लाई करेंगे। देखो किपर अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स एथेर कौन क्वालिफिकेशन रहइबो किपर आपंकर ट्रेड टेस्ट आपंकर क्वालिफाई किपर हे आपने सिलेक्शन प्रोसेस कौन रहइबो से विषय कम्प्लीटली मेनसन कर। तो भल भाव चेक करेंगे। शेष आपठे आप्लिकेसन फर्म देखा मिले देखिपे। तो प्रथम आपने फर्म टी को प्रिंट काढ़े। फ्रेंड्स मुझे अनेक कथ कह भूली गली। तो देखो ये जो नोटिफिकेशन टी रही आपंकर नुआपड़ा जिला रही केवल ए नुआपड़ा जिलार ही आप पोस्टिंग रोक कौन जिलार पाने अप्लाई करें ना जदि आप्लाई करते तो आप रेसीडेंस सर्टिफिकेट आवश्यक पड़े सिलेक्शन जिते बड़े आपंकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आपठे रेसीडेंस सर्टिफिकेट मांग। तो पाने केवल आपने जदि आपखे रेसीडेंस सर्टिफिकेट थी तेज आप्लाय करेंगे क्यों जिलार ना नुआपड़ा जिलार जदि आप कौन जिला जिले में देखुं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कारण प्रति जिला वैकेंसी रही आपने चेक भी करेंगे जो डिफरेन्ट टाइप्र डिफरेन्ट जिलार डिफरेन्ट जिलार तहसील अफिस्रु यही नोटिस गुड़क आसी थाए जहाँकि एमआईएस असिस्टेंट एमआईएस असिस्टेंट और कोऑर्डिनेटर पोस्ट पर। तो देखिए तो किपर आप्लाय करेंगे मुझे प्रोसेस भी कहीदे। प्रथम आपने लिखे जो क्यों पोस्ट अप्लाई करने चाहते यहाँ पर आपंकर कलर फोटो टी अटाच करेंगे यहाँ पर आपंकर नेम जहाँ भी आपंकर पर्सनल इनफर्मेशन थी सब इनफर्मेशन गुड़क फिलअप करेंगे यहाँ पर आपंकर डिस्ट्रिक्ट लिखे यहाँ पर आपंकर एड्रेस लिखे जहाँ भी ए मेनसन अच्छी भल भाव चेक करेंगे और फिलअप करेंगे। तो पाने भाव में फर्म टी फिलअप करेंगे। फिलअप कलापर देखो क्यों एड्रेस फर्म टी सेंड करेंगे। तो देखिपे ये एक एड्रेस टी मेनसन अच्छी। तो सिंपली आपने ये एड्रेस फर्म टी को सेंड करेंगे। फ्रेंड्स आपने सिंपली बैक आसपे जदि आप पीडीएफ एड्रेस नश हो तो देखिपे आपको से वेबसाइट एड्रेस टी देखा मिले
ଯାହାକି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଫିସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ଏ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ହିଁ ଫର୍ମଟିକୁ ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ମେନସନ୍ ଅଛି ସେ ଡକୁମେଣ୍ଟର କପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଟାଚ୍ କରି ସେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ।